न्यू अपडेट इन इंडियन बैंक ड्राइविंग सीट। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑल न्यू चीट कोड बताने वाला हूं जो न्यू अपडेट के अंदर हमें देखने को मिलता है गाइस। एंड न्यू हेलीकॉप्टर का भी चीट कोड बताने जो आरजेएस टूल की मदद से आप लोग हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ा सकते हो। तो सबसे पहला चीट कोड है गाइस, आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर 3005 डायल करने से हमारे गेम के अंदर निशान GTR देखने को मिल जाएगा। 3005 डायल करने तो देख सकते हैं निशान GTR देखने को मिल चुका है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है गाइस, एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई करके देखना। एंड गाइस इन सारे मैं जितने भी कार बताने वाला हूँ उन सब के आप कलर चेंज करके देख सकते हो। एंड आपको सिंपल मोबाइल डायल ओपन करके गैलरी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन गाइस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। एंड गाइस मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड चलो गाइस मैं आपको न्यू बाइक का भी चीट कोड बता दूँ साथ में। तो सबसे पहले हमारा जो बाइक होने वाला है गाइस, आपको सिंपली डायल करना है यहाँ पास 1210 डायल करने से हमारे गेम के अंदर न्यू KTM बाइक देखने को मिल जाएगा। एंड ओल्ड वाली KTM बाइक को यहाँ पास से रिमूव कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट चीट कोड होने वाला गाइस हमारे गेम के अंदर 400 डायल करने से हमारे गेम के अंदर ZX10R बाइक भी देखने को मिल जाएगा। देन गाइस यहाँ पास आपको न्यू बाइक का भी चीट कोड और बता दूँ तो आपको 5300 डायल करने से हमारे गेम के अंदर यहाँ पास पल्सर RS200 भी देखने को मिल जाएगा। देन गाइस यहाँ पास YAMAHA R15 भी एक न्यू बाइक है, उसे भी चलो आपको बता दूँ तो 0015 डायल करने से यहाँ पास YAMAHA R15 भी देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस चलो आपको न्यू थार का चीट कोड बता दूँ तो 9191 डायल करने से हमारे गेम के अंदर न्यू थार भी देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस हैमर कार का चीट कोड चलो बता दो तो आप लोग को यहाँ पास 3880 डायल करना, उसके बाद हमारे गेम के अंदर हैमर कार भी देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ पहले से आप लोग मैं जितने भी कार बताने वाला हूँ हम सारे कार का कलर चेंज कर सकते हो। आप लोग को सिंपली गैलरी ऑप्शन ओपन करके कोई भी कलर आप लोग को क्लिक कर देना, उसके बाद ये कलर ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपना जो कार है गाइस। एंड चलो आपको ब्लोरो का चीट कोड बता दूँ तो 3100 डायल करने से हमारे गेम के अंदर न्यू ब्लोरो कार भी देखने को मिल जाएगा गाइस। 3100 तो देख सकते हैं बस ब्लोरो कार भी स्पॉन हो चुका है एंड काफ़ी बढ़िया है गाइस। एंड जो नेक्स्ट चीट कोड बता दूँ यहाँ एंड गाइस स्कॉर्पियो S11 के लिए आपको सिंपली 444 डायल करना है, उसके बाद हमारे गेम के अंदर स्कॉर्पियो S11 भी देखने को मिल जाएगा। एंड चलो कुछ सुपर कार का चीट कोड बता दूँ तो 2244 डायल करने से हमारे गेम के अंदर सुपर कार भी देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको 2244 डायल करना है तो देख सकते हो सुपर कार भी स्पॉन हो चुका है। देन गाइस इतने ही नहीं आपको एंड गाइस चलो मैं आपको टार्जन कार का चीट कोड बता दूँ तो 3000 डायल करने से हमारे गेम के अंदर यहाँ पास टार्जन कार भी देखने को मिल जाएगा। एंड लैम्बोर्गिनी कार का चीट कोड है गाइस 3333, आपको जैसे डायल करोगे गाइस 3333 तो लैम्बोर्गिनी कार भी देखने को मिल जाएगा। एंड नॉन मॉडिफाइड है ये एंड मॉडिफाइड का चीट कोड है गाइस 700। एंड गाइस चलो आपको मैं मस्टैंग का चीट कोड बता दूँ तो 8123 डायल करने से हमारे गेम के अंदर यहाँ पास मस्टैंग भी देखने को मिल जाएगा 8123। देन गाइस मस्टैंग भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम है हमारे गेम के अंदर। देन नेक्स्ट चीट कोड एंड गाइस फरारी का चीट कोड होने वाला है यहाँ पास 8811 डायल करने से हमारे गेम के अंदर यहाँ पास फरारी कार भी देखने को मिल जाएगा। एंड लैम्बोर्गिनी वर्जन 2 के लिए आपको 700, तो आपको सिंपली 700 डायल करना है, उसके बाद लैम्बोर्गिनी वर्जन 2 देखने को मिल जाएगा गाइस। एंड लैम्बोर्गिनी वर्जन 2 मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिखाई देता है कि कोई देख सकते हो। एंड गाइस फॉर्चुनर कार का चीट कोड है गाइस 1000 डायल करना है, उसके बाद हमारे गेम के अंदर फॉर्चुनर कार भी देखने को मिल जाएगा 1000 गाइस। तो 1000 से हम लोग को फॉर्चुनर कार देखने को मिलता है। एंड फॉर्चुनर कार भी भाई काफ़ी ऑसम है, एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई करके देखना। एंड 100 से 1000 डायल करने से पुलिस कार देखने को मिल जाएगा। एंड मॉडिफाइड पुलिस कार के लिए 101 डायल करना, उसके बाद मॉडिफाइड पुलिस कार भी देखने को मिल जाएगा जो इससे थोड़ा बड़ा है गाइस, देख सकते हो इससे थोड़ा बड़ा है। कोनिग्सेग का चीट कोड है गाइस 900 डायल करने से कोनिग्सेग सुपर कार देखने को मिल जाएगा भाई। वाओ लिटरली काफ़ी बढ़िया है, एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। देन पोर्शे कार का चीट कोड बता दो तो आपको 400 डायल करना है, सॉरी गाइस 4000, उसके बाद देख सकते हो पोर्शे कार भी देखने को मिल जाएगा। एंड ऑडी कार का चीट कोड होने वाला है गाइस 500 डायल करने से ऑडी कार भी देखने को मिल जाएगा। एंड ऑडी कार तो हमारे गेम के अंदर सबसे फेवरेट कार है भाई लिटरली। एंड गाइस मॉडिफाइड कार का चीट कोड होने वाला है 9090। देन गाइस इसे गेम से रिमूव नहीं किया गया है, 9090 डायल करने से मॉडिफाइड यहाँ पर थार देखने को मिल जाएगा भाई, देख सकते हो लिटरली भाई वाह। तो गाइस देख सकते हो मैं आल कार का तो चीट कोड आपको बता ही दिया हूँ। देन गाइस यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। देन गाइस जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो गाइस प्लीज़। देन चलो आपको एनिमल का चीट कोड बता दूंगा गाइस, तो सबसे पहले आपको जेसीबी का चीट कोड बता दूँ 6677 डायल करने से हमारे गेम के अंदर जेसीबी देखने को मिल जाएगा। देन चलो गाइस आप लोग को डायनासोर का चीट कोड आपको बता दूँ, ढेर सारे आप लोग को कार एंड बाइक का तो चीट कोड आपको बता ही दिया। देन आपको चलो न्यू डायनासोर का भी चीट कोड बता दूँ तो आप लोग जैसे हमारे गेम के अंदर 52 डायल करते हो गाइस स्पाइनोसॉरस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे 52 डायल करना है उसको देख सकते हो स्पाइनोसॉरस यहाँ पर स्पॉन हो चुका है। देन गाइस इससे बड़ा यहाँ पर डायनासोर हमारे गेम के अंदर ब्रेकियोसॉरस है, उसका चीट कोड होने वाला है 53। देन 53 डायल करने से हमारे गेम के अंदर ब्रेकियोसॉरस भी देखने को मिल जाएगा, देन काफ़ी बड़ा है गाइस। एंड इसे देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट हम लोग इसे थोड़ा सा पीछे जाए उसके बाद हम लोग इसे देखें
तो इसे देखना इजी है बट काफी बड़ा है। एंड 5G डायल करने से वेलोसिराप्टर देखने को मिल जाएगा। देन गाइस ये वेलोसिराप्टर अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहता क्योंकि ये बाइस ऑटोमेटिक ही चलता रहता है। एंड 5.1 डायल करने से अपने गेम के अंदर टीरेक्स डायनासोर भी देखने को मिल जाएगा। देन गाइस ये सारे ऑल न्यू डायनासोर का चीट कोड है, मैं आपको बताई दिया। एंड 600 डायल करने से हम लोग को राइडिंग डॉग भी देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस हम लोग डॉग को राइड भी कर सकते हैं। एंड 200 डायल करने से हमारे गेम के अंदर पास हॉर्स भी देखने को, एंड गाइस हम लोग हॉर्स को भी ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद गाइस 5050 डायल करने से हम लोग को ड्राइविंग वाले यहाँ पास वेलोसिराप्टर देखने को मिल जाएगा। एंड ये ऑटोमेटिक ही खड़ा रहता है भाई लिटरली। एंड देख सकते हो गाइस ब्रेकोसोरस सबसे बड़ा यहाँ पास डायनासोर है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। इसे देखना गाइस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बट हम लोग पीछे होके देखें तो इसे बस देख सकते हैं। एंड स्पाइनोसोरस उतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ पास ब्रेकोसोरस है गाइस भाई लिटरली। एंड मैं आपको आलकार एंड आल डायनासोर का तो चीट कोड बता ही दिया। देन चलो गाइस आपको कुछ हैवी व्हीकल का चीट कोड बता दूं। तो सबसे पहले गाइस 8000 डायल करने से हमारे गेम के अंदर यहाँ पास हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगा। देन गाइस यहाँ पास प्लेन का चीट कोड होने वाला गाइस 555। तो आप लोग जैसे 555 डायल करते हो तो यहाँ पास प्लेन भी देखने को मिल जाएगा। एंड प्लेन काफ़ी बढ़िया है गाइस, देख सकते हो इसका कलर आप लोग चेंज कर सकते हो प्लेन का। देन आप लोग हेलीकॉप्टर का कलर चेंज नहीं कर सकते। एंड गाइस चलो आपको बता दूं यहाँ पास फायर ट्रक का चीट कोड, एंड फायर ट्रक का चीट कोड होने वाला है गाइस 606। तो आप लोग जैसे 606 डायल करते हो तो यहाँ पास फायर ट्रक भी देखने को मिल जाएगा गाइस। एंड यहाँ पास ट्रक विद ट्रेलर का चीट कोड होने वाला है 0121। तो आप लोग जैसे 0121 डायल करते हो तो ट्रक विद ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। एंड काफ़ी बढ़िया गाइस, देख सकते हो कितना बड़ा है भाई लिटरली, एकदम रियलिस्टिक दिखाई देता है। देन ओनली ट्रक के लिए गाइस आपको चलो चीट कोड बता दो। तो यहाँ पास उससे पहले आपको चलो यहाँ पास जेट पैक का चीट कोड बता दूँ। तो 330 डायल करने से जेट पैक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पास 320 डायल करने से बिग जेट पैक देखने को मिल जाएगा भाई लिटरली, बिग जेट पैक है ये भी, काफ़ी बढ़िया है। एंड चलो गाइस आपको यहाँ पास आर्मी टैंक का चीट कोड बता दूँ। तो 4040 डायल करने से यहाँ पास आर्मी टैंक भी देखने को मिल जाएगा। एंड आप लोग आर्मी टैंक का कलर भी चेंज कर सकते हो। एंड चलो बता दूँ नेक्स्ट चीट कोड। तो आप ओनली ट्रक के लिए गाइस तो आपको डायल करना 1212, आपको सिंपली 1212 डायल करने से ओनली ट्रक भी देखने को मिल जाएगा। आपको सामने जीरो नहीं लगाना है वरना ट्रक भी ट्रेलर स्पॉन हो जाएगा। देन आपको सारे हैवी व्हीकल का चीट कोड आपको बता दिया लगता है मेरे हिसाब से। एंड चलो जेट पैक से आपको दिखा दूँ कि अपना जो कंस्ट्रक्शन एरिया गाइस वो किस तरह से दिखने वाला है। एंड काफ़ी बड़ा है कंस्ट्रक्शन एरिया, एंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भाई वाह लिटरली, देख सकते हो यहाँ पास पूरी तरह से भाई जितना हम लोग को कार शोरूम होता है गाइस उससे मतलब तिगुना बड़ा हो चुका है गाइस भाई लिटरली। एंड गाइस कार शोरूम को यहाँ पास गेम से अभी रिमूव कर दिया गया, एंड नेक्स्ट अपडेट में उसे बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड करके एकदम बड़ा वाला कार शोरूम देखने को मिल सकता है हम लोग को, इसलिए अभी कार शोरूम को यहाँ पास से रिमूव कर दिया गया है। एंड आपको सारे हैवी चीट कोड का व्हीकल बता दिया हूँ। एंड गाइस आरजीएस टूल का चलो सीक्रेट चीट कोड बता दूँ, आरजीएस टूल का क्या सीक्रेट चीट कोड होने वाला है। देन गाइस हम लोग चलो बिल्डिंग में ऊपर लैंड करके देखते हैं क्या बिल्डिंग के ऊपर हम लोग लैंड कर पाएंगे या नहीं। तो गाइस चलो देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर हम लोग गाइस लैंड कर सकते हैं गाइस लिटरली, हम लोग बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर सकते हैं। देन ऊपर से हम लोग को काफ़ी क्रेजी एक नज़ारा देखने को मिल जाए व्यू, एंड इस व्यू का भाई लिटरली काफ़ी अच्छा लगता है। एंड चलो हम लोग चलते हैं सीधा नीचे, एंड आपको वहाँ पास एक न्यू हेलीकॉप्टर का सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको हेलीकॉप्टर में डाल कर सॉरी गाइस आरजीएस टूल में डाल करना पड़ेगा हेलीकॉप्टर। एंड उस एंड गाइस चलो आपको बता दूँ आरजीएस टूल का न्यू सीक्रेट फ्यूचर। तो एंड आपको सिंपली आरजीएस टूल में HELI लिखना है, उसके बाद हमारे गेम के ऊपर में गाइस मतलब आसमान के ऊपर हमें देखने को मिलेगा हेलीकॉप्टर। देन चलो हम लोग आरजीएस टूल में HELI लिखते हैं हेली। तो ओनली हम लोग को हेली लिखने से हम लोग के गेम के अंदर ऊपर में हम लोग के यहाँ पास हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखेगा गाइस लिटरली। एंड इसको आपको इसमें स्नाइपर से चलो दिखा दूँ, तो देख सकते हो यहाँ पास हेलीकॉप्टर यहाँ पास फ्लाई करने लगा। एंड भाई लिटरली यहाँ पास एक बार आप लोग जरूर स्पॉन करा के देखना अपने आरजीएस टूल के सीक्रेट फ्यूचर की मदद से। एंड इतने ही नहीं गाइस हम लोग यहाँ पास एक और न्यू चीज़ यहाँ पास स्पॉन करा सकते हैं। एंड गाइस चलो आपको बता दूँ कंस्ट्रक्शन एरिया आपको कौन सी लोकेशन पर देखने को मिलता है। देन गाइस चलो आप लोगों को न्यू हाउस में लेकर चलता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग का कंस्ट्रक्शन एरिया कौन से लोकेशन पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग को सबसे पहले तो कोई भी बाइक स्पॉन करा लेना, मैं यहाँ पास ZX10R बाइक स्पॉन करा रहा हूँ। एंड गाइस आपको सीधा एंटर करके आपको यहाँ पास जाना है सीधा, एंड यहाँ पास लेना है राइट। तो आप लोग को राइट लेने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पास आके दोबारा से फिर से राइट लेना है गाइस। एंड यहाँ पास आपको पीछे वाली यहाँ पास जहाँ पास हम लोग को कार शोरूम देखने को मिलता था आपको सीधा ही वही जाना है। एंड गाइस वहाँ पास हम लोग को कंस्ट्रक्शन एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पास हम लोग को कार शोरूम देखने को मिलता था। एंड गाइस कंस्ट्रक्शन एरिया को यहाँ पास ऐड कर दिया, एंड कार शोरूम को यहाँ पास से रिमूव कर दिया। एंड नेक्स्ट अपडेट में हम लोग को कार शोरूम यहाँ पास बहुत बड़ा वाला देखने को मिलेगा। एंड गाइस देख सकते हो हम लोग को कंस्ट्रक्शन एरिया हम लोग इस लोकेशन पर देखने को मिल जाता है भाई लिटरली, काफ़ी बढ़िया है। एंड मुझे तो अच्छा लगा गाइस, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई कंस्ट्रक्शन एरिया को ऐड करने के बाद यहाँ पास देख सकते हैं एक छोटा सा रैंप यहाँ पास है हम लोग को देखने को, ड्रिफ्ट रैंप।
एंड रिफ्ट रैम में हम लोग को सीधा हम लोग को बाइक को चलाना पड़ता है गाइस। एंड गाइस न्यू अपडेट के न्यू मिथ एंड न्यू ग्लिचेस आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो एंड नेक्स्ट वीडियो में उनको मैं ट्राई करने वाला हूँ गाइस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आज के लिए इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।